अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वीडियो का एंड जरूर देखिएगा क्योंकि आज की इस वीडियो में बात करेंगे सैमसंग के न्यू अपकमिंग स्मार्टफोन के बारे में जो कि पाकिस्तान में F52 के नाम से लॉन्च किया जाएगा। ये गेमिंग स्मार्टफोन है, ये कब और कितनी प्राइस में पाकिस्तान में लॉन्च होगा मुकम्मल वीडियो में बात करेंगे। आते फोन के स्पेसिफिकेशन की जानिब तो ये एक 5G स्मार्टफोन होने वाला है जो कि अंडर 40,000 कहीं पर जाके आपको 35-36,000 में पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। 6.6 इंच की फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले इस फोन में आपको मिलने वाला है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट के साथ वर्क करने वाला है। प्रोसेसर की बात की जाए तो 750G क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन प्रोसेसर इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा जो एड्रीनो 619 के साथ आपको GPU मिलने वाला है। बात करते हैं रैम और रोम की तो 8GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आप 1TB तक एक्सपेंड भी कर सकते हैं। लेकिन आपको इस फोन में हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलेगी जो कि आप एक वक्त में सिर्फ एक सिम और एक मेमोरी कार्ड या दो सिम्स यूज़ कर सकते हैं। बात करते हैं बैक साइड की तो बैक साइड पर आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए इस फोन में मिलेगा जिसमें आपको 64MP का मेन सेंसर इस फोन में मिलने वाला है। इसके साथ ही आपको 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का डेप्थ सेंसर और 2MP का ही माइक्रो लेंस इस फोन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। गाइस बात की जाए वीडियो रिकॉर्डिंग की तो आप इस फोन में 4K 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं जो कि एक यूट्यूबर्स के लिए मैं कहता हूँ एक बेस्ट डिवाइस होने वाली है। फ्रंट साइड की बात की जाए तो आपको 16MP का पंच होल जो कि इस दफ़ा राइट साइड पे आपको पंच होल वाला सीन मिलने वाला है इस फोन में, तो इन डिस्प्ले 16MP का कैमरा मिल जाएगा। आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 जो कि 1 UI 3.1 पर वर्क करेगा जो इस फोन में आपको मिलने वाला है। गाइस बात की जाए बैटरी लाइफ की तो आपको 4500mAh की बैटरी इस फोन में मिलेगी जो कि आप 25W फास्ट चार्जिंग के साथ सपोर्ट करती है। गाइस बात की जाए फिंगरप्रिंट सेंसर की तो आपको इस फोन में आपको राइट साइड पर फिंगरप्रिंट मिलने वाला है इस डिवाइस में। तो गाइस बात की जाए ओवरऑल रिव्यू की और इसकी परफॉर्मेंस की कि पबजी यूज़र्स के लिए डिवाइस बाई करनी चाहिए उनको या नहीं, और उसके अलावा इसकी लॉन्च डेट की बात की जाए तो आपको दिसंबर की लास्ट वीक में आपको ये फ़ोन पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। उसके साथ ही अगर बात करते हैं फर्स्ट लुक ओवरव्यू और इस फ़ोन की परफॉर्मेंस की तो आपको एक एवरेज परफॉर्मेंस ऊपर वाले लेवल की मिलने वाली है। बहुत हाई आप नहीं कर सकते क्योंकि अंडर 36,000 यानी 35,999 इसी एक्सपेक्ट की जा रही है पाकिस्तान में प्राइस, हो रही है दिसंबर की लास्ट वीक में आपको पाकिस्तान के ऑफलाइन मार्केट में देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस इस फ़ोन की ओवरऑल रिव्यू की अगर बात की जाए तो एक बेहतरीन हैंड फील फ़ोन देता है, एक अच्छी लुक प्रोवाइड करता है आपको, इसका फिंगरप्रिंट आपको साइड पर देखने के लिए मिल जाएगा। और गाइस बात की जाए 64MP कैमरे की तो एक अच्छा कैमरा, आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K पर, तो ओवरऑल प्राइस टैग के लिहाज से ये डिवाइस सर्वाइव करती है। तो गाइस मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर दे ताकि हमारी तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी के साथ मिलता रहे।